इनका एलसीएम निकालना दोस्तों, कैसे निकालें? तो यहाँ पर हम जो मेथड काम में लेने वाले हैं वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, इन सब के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए उसकी भी बात करेंगे, और प्राइम फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका सीखना है। ओके, या दोस्तों यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं काम लेते हैं, डिवीजन मेथड काम लेते हैं तो वो भी आसान है, लेकिन अभी मैं आपको देखिए प्राइम फैक्टर के द्वारा बताता हूँ। इसके फैक्टर 18 के फैक्टर, 24 के फैक्टर और 27 के फैक्टर, 36 के फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए अभी हम पॉइंट पे आते हैं, क्या चाहिए हमें? प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, ये आपके कुछ प्राइम नंबर है। देखिए दोस्तों, 15 आपका यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 3 से विभाजित होगा। 15 में आपने 3 का भाग दिया, कितनी बार गया वो यहाँ लिखना है, 5 बार गया। किसी को भाग देने में समस्या हो तो ऐसे लिख लें, 3 का जब आप भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, माइनस करेंगे। देखिए सेंसफुल 0 है, पूरा का पूरा भाग गया है। सेंसफुल 0 है मतलब पूरा का पूरा भाग गया, जितनी बार भाग गया वो मैंने यहाँ नीचे लिखा है। 5 आपकी एक अभाज्य संख्या जो खुद से विभाजित होगी। इसके में 2 का भाग दिया, 9 आ गया। 9 में 3 का भाग दिया, कितना? 3 बार चला गया। 3 में 3 का भाग, 1 बार। इसमें 2 का भाग दिया, कितना? फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितना? फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितना? 3 में 3 का भाग, कितना? ठीक है, इसमें देखिए 3 का भाग जा रहा है, कितना? इसमें फिर 3 का भाग जा रहा है, कितना? ओके, इसमें 2 का भाग जा रहा है, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 में 3 का भाग आपका 1 हुआ है। हमें बात करनी है एलसीएम की, तो देखिए बिल्कुल सिंपल, आसान तरीके से सिंपल शब्दों में समझते हैं। सर्वप्रथम आपको उस फैक्टर को लेना है जो 1, 2, 3, 4, 5, 5 में कॉमन हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 3, 3, 3, 3, 3। देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई भी फैक्टर को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, जो सब में समान है उसको एक बार ही लेंगे, जो सिंगल बचे हैं उसको ले लेंगे, फिर अलग से ले लेंगे, लेकिन पहले तो सब में कॉमन है उसकी बात करते हैं ना। उसके बाद मुझे ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं दिखा दे रहा है जो सब में, तो फिर हम देखें कि कोई 2, कोई 3, कोई 4 में कॉमन हो। तो देखो 2, 2, 2, फिर देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2, 2, फिर देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3, 3, 3, फिर देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब की बार केवल अकेले फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, इसके तो सारे आगे भी 4 के, ठीक है, और हम इसको भूले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। अब इन सब का गुणा करना है, ये मेरा टारगेट है। तो जब इन सब का हम गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है दोस्तों 1080। यही आपका यहाँ पर क्या है, एलसीएम है। एलसीएम को हम हिंदी में किसके द्वारा लिखते हैं, लेस से के द्वारा लिखते हैं। ओके, कुछ समझ आया क्या या नहीं आया कमेंट कर बता दो।